जो बाइडेन की जीत से चीन क्यों हुआ खुश? बाइडेन ने 28 साल का कौन सा रिकॉर्ड तोड़ दिया है? राष्ट्रपति चुनाव में अब तक ट्रंप को कितने वोट मिले हैं? ट्रंप समर्थकों ने कहां इलेक्शन सेंटर के बाहर किया प्रदर्शन? बाइडेन की जीत से जुड़ी हर बड़ी खबर देखते हैं टॉप 9 बाइडेन पर वर्ल्ड रिएक्शन। राष्ट्रपति चुनाव में धांधली के आरोपों को लेकर ट्रंप समर्थकों ने एरिजोना की राजधानी फोनिक्स में प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने ट्रंप का पोस्टर लेकर वी वांट ट्रंप के नारे लगाए और चुनाव में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए नतीजों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। ट्रंप ने अपने समर्थकों का उत्साह बढ़ाने के लिए बयान जारी किया है। ट्रंप ने कहा, बाइडेन अभी आधिकारिक रूप से विजेता घोषित नहीं हुए हैं, उन्हें भी मीडिया ने विजेता घोषित किया है। 50 राज्यों में वोटों की गिनती में अभी समय लगेगा, तब जाकर वास्तविक विजेता घोषित होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अभी भी चुनाव में धांधली वाले बयान पर कायम हैं। ट्रंप ने ट्वीट करते हुए लिखा कि हमारे पर्यवेक्षकों को काउंटिंग सेंटर में नहीं जाने दिया गया, अगर जाने दिया जाता तो चुनाव मैं जीत जाता। अमेरिका के इतिहास में पहली बार मौजूदा राष्ट्रपति को 7 करोड़ से ज्यादा लीगल वोट मिले हैं। जो बाइडेन ने डोनाल्ड ट्रंप को हरा कर 28 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अमेरिका में पिछले 28 साल से लगातार मौजूदा राष्ट्रपति ही दूसरा टर्म जीत रहा था, जिसे बाइडेन ने ट्रंप को हरा कर तोड़ दिया। बिल क्लिंटन, जॉर्ज बुश और बराक ओबामा लगातार 2 टर्म राष्ट्रपति बने थे। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने जो बाइडेन और कमला हैरिस को बधाई दी है। सोनिया ने लिखा, बाइडेन और कमला हैरिस के नेतृत्व में भारत को उम्मीद है कि दोनों देशों के बीच साझेदारी से विश्व में शांति और विकास का माहौल पैदा होगा। राहुल ने लिखा, हमें उम्मीद है कि बाइडेन अमेरिका को एकजुट करेंगे। जो बाइडेन के अमेरिकी राष्ट्रपति चुने जाने पर अमेरिकन इंडिया पब्लिक अफेयर्स कमेटी के प्रेसिडेंट जगदीश सहवानी ने जो बाइडेन और कमला हैरिस को बधाई देते हुए कहा कि हमें पूरी उम्मीद है कि जो बाइडेन और पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत अमेरिका के संबंधों को नई ऊंचाई मिलेगी। जो बाइडेन के राष्ट्रपति चुने जाने पर भारतीय मूल के अमेरिकी कारोबारी संत चटवाल ने कहा कि आज सभी भारतीय अमेरिकियों के लिए खुशी का दिन है। बाइडेन की जीत से हम बेहद खुश हैं। कुछ लोगों को लग रहा है कि बाइडेन भारत के दोस्त नहीं हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। बाइडेन भारत के बहुत बड़े समर्थक हैं। जो बाइडेन के अमेरिकी राष्ट्रपति चुने जाने पर चीन बहुत खुश नजर आ रहा है। चीन को उम्मीद है कि बाइडेन के राष्ट्रपति बनने से हांगकांग पर उसका कब्जा बरकरार रहेगा। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा कि बाइडेन की जीतने से उम्मीद है कि हांगकांग में लगे प्रतिबंधों को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। जो बाइडेन और कमला हैरिस की जीत की जश्न में डूबा अमेरिका। TV9 भारतवर्ष पर देखिए व्हाइट हाउस का हर रंग। व्हाइट हाउस के दरवाजे पर TV9 भारतवर्ष आपको दिखा रहा है अमेरिका का एक नया इतिहास बनते हुए। यहाँ देखिए व्हाइट हाउस के ठीक सामने में हजारों लोग इस समय बाइडेन के समर्थक में आ चुके हैं। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।